दोस्तों, क्या आप पायलट बनना चाहते हैं? तो फिर इस वीडियो को इन तक देखना। तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, एक्चुअली होंडा ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर थोड़े से स्ट्रेटजी को बदल दिए एंड उनकी तरफ से होंडा पायलट करके एक न्यू एसयूवी बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। बेसिकली 8 सीटर क्रॉसओवर एसयूवी रहने वाले, तो बहुत ही बड़े ह्यूमंगस गाड़ी होंडा की तरफ से भारतीय बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको तो ये चीज पता ही हो कि होंडा रिसेंटली अपने होंडा सिटी फेसलिफ्ट की न्यू वाली जनरेशन ने उसको लॉन्च की है एंड इसके अलावा सिविक और MS एक्वर भी आते हैं जो की सेम कैटेगरी की है, यानी कि सेडान। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक होंडा की तरफ से जो प्रॉपर एसयूवी होते हैं वो भारतीय बाजार के अंदर देखने को नहीं मिली है और ये कहीं ना कहीं होंडा के लिए सबसे बड़ी कमी भी बन जाती है, यानी कि जो फोन से। तो वहीं पे अगर हम टाटा एंड महिंद्रा की बात करें तो काफी समय से अपने एसयूवी सेगमेंट पे फोकस करते हुए आ रहे हैं। तो भारत ऑटोमोबाइल मार्केट पे अच्छी खासी सेलिंग फिगर के साथ अपने जो एसयूवी डोमिनेंस है उसको पकड़ कर रखा है। और दोस्तों, एसयूवी के जो साइज है, साइज के लिए इंडिया पे बहुत ही ज्यादा यूथ जनरेशन इसको प्रेफर करते हैं। काफी अच्छे खासे लुक्स है, काफी भारी भरकम जो लुक्स है उसी वजह से बहुत ज्यादा फेमस बन चुके हैं। तो इसका पहला जो प्रेफरेंस है वो एसयूवी है। तो ऐसे बहुत कम लोग है जो सेडान और हैचबैक को, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्रेफर करते हैं। तो इसी चक्कर के वजह से होंडा की जो सेलिंग फिगर है कुछ समय से बहुत ही व्यापार डिक्रीज हो रही है। तो फाइनली होंडा ने भी अच्छी खासी दिमाग लगाया एंड भारतीय बाजार में दो न्यू एसयूवी की इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो पहले जो रहेगी वो है दोस्तों होंडा HR-V एंड दोस्तों ये टेस्टिंग स्टेज में गुजर रही है, तो ये गाड़ी आने में थोड़ा वक्त तो लगेंगे। एंड इसलिए जो दूसरी वाली है उसको आज हम पकड़ेंगे, यानी कि मेरा मतलब है होंडा पायलट के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली फुल साइज एसयूवी रहने वाला है क्योंकि 8 सीटर गाड़ी जो है एंड इसके आसपास खींचने के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड हुंडई अल्काज़र, टाटा सफारी और टाटा फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रेस्टा, तो ये सारे भारी भरकम गाड़ियों की जरूरत है क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर होने वाला है उसके लिए काफ़ी अच्छी खासी पावर चाहिए ना, क्योंकि ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी होने वाला है। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, लुक्स एंड डिजाइन, प्राइस, यानी कि कब ये गाड़ी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च डेट, उसके बारे में भी मैं आपको सारे के सारे डिटेल एक्सप्लेन देने वाला हूँ। तो आपका सारे सवाल का जवाब इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो कोई बात नहीं। दोस्तों, यहाँ पर होंडा पायलट GLTP2 प्लेटफॉर्म पे आधारित रहने वाला है। इसका जो फुल फॉर्म है ग्लोबल लाइट टार्क प्लेटफॉर्म 2 पे बेस्ड होंगे। तो ये गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ रहने वाला है जो कि विच इज 4968 mm, विथ 1996 mm और हाइट 1793 mm। सो अच्छी खासी जो डायमेंशन, लेंथ एंड चौड़ाई लंबाई है, तो रोड प्रेजेंस तो दमदार होने वाला है मेरा भाई। दोस्तों, ये गाड़ी बहुत ही बोल्ड एंड मास्कुलर डिजाइन लैंग्वेज के साथ आने वाला है एंड प्रीमियम भी रहेगा। दोस्तों, फ्रंट प्रोफाइल में हेक्सागोनल मैट ब्लैक इंसर्ट ग्रिल दिया जाएगी, तो जो एग्रेसिव डिजाइन है वो तो मिलने वाला है। साथ ही साथ होंडा का जो लोगो रहने वाला है वो 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ एंड ग्रिल का जो साइज है काफ़ी बड़े रहने वाले हैं एंड लोगो का अपर में फ्रंट कैमरा सेंसर को यहाँ पर प्लेस किया जाएगा एंड जो लाइटिंग सेटअप रहने वाला है वो भी डे टाइम रनिंग LED DRL के साथ यहाँ पर मेन हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर ऑफर की जाएगी। यहाँ पर एक नहीं बल्कि ट्विन प्रोजेक्टर के साथ ये हेडलैम्प्स ऑफर की जाएगा। जो टर्निंग इंडिकेटर्स है वो बेसिकली ओवरबीम भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रंट में भी थोड़े यहाँ पर इसका फ्लेवर दिया गया है, तो मेन हेडलैम्प के साथ अटैच रहने वाला है। अंडरनीथ सेक्शन पर क्रोम मैट फिनिश का एयर डैम एंड सिल्वर स्क्रीट पेट ऑफर की जाएगी एंड नीचे जो कुछ आप देख रहे हो ये पार्किंग सेंसर्स का जो माउंटेड है रहने वाला है, तो अलग से फॉग लैंप्स आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है और एडास फिलहाल के लिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो एडास सेंसर के बदले आपको जो कैमरा सिस्टम के साथ होता है वहाँ पर ADAS को ऑफर की जाएगी। ADAS का दो ही बेसिकली वर्किंग प्रोसेस होते हैं, जो आउटपुट आपको मिलते हैं सेम ही है। तो कुछ ही गाड़ी के अंदर सेंसर्स मिलते हैं रेडार सेंसर और कुछ ही गाड़ी के अंदर कैमरा तो वह प्लेस किया जाता है। तो खैर, जो भी हो, यहाँ पर जो डिजाइन है काफ़ी अच्छी खासी है। तो दोस्तों, चले साइड प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बॉडी के साथ ही क्लाइडिंग एंड व्हील जो है, व्हील यहाँ पर एज पर क्लाइडिंग को ऑफर की जाएगी एंड मेरे को जितना लग रहा है कि 20 inches के गन मेटल एंड रेगुलर फिनिशिंग के साथ अलॉयस प्रोवाइड की जाएगा। एंड दोस्तों, इस बार एज एक्सपेक्टेड चारों पाइयों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी एंड ओवर भी हमके साथ ही टर्निंग इंडिकेटर, स्मार्ट ब्रेक रहने वाले हैं, एडजस्टेबल यानी कि फोल्ड एंड अनफोल्ड आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। बॉडी कलर के साथ यहाँ पर मैचिंग रखा जाएगा और 360 कैमरा विथ जो टर्निंग इंडिकेटर है उसका भी प्लेस किया जाएगा। तो बॉडी कलर के साथ ही यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रखने वाले हैं जो ओवर व्यू में है, साथ ही साथ जो डोर हैंडल्स है वो भी बॉडी कलर के साथ ही मैचिंग रहने वाले हैं। दोस्तों, रेयर का जो डिजाइन है काफ़ी यहाँ पर रिफ्रेशिंग है, टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ LED जो मेन रेयर
लाइट होने वाला है ऑफर की जाएगी एंड अपर में रियर स्टॉप लैंप्स पार्किंग लाइट वो भी रहने वाला है एंड रूफ में सर्फिंग एंटेना विद इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो कि रूफ माउंटेड है और डी फॉगर रियर वॉशर ऑल्सो प्रोवाइडेड। रूम में रूफ रेल्स और सनरूफ वो भी मिलने वाला है टॉप ऑफ द वेरियंट में। यहाँ पर पायलट का बैजिंग एंड होंडा का लोगो भी बैक में आपको मिलने वाला है। तो रियर जो बम्पर है ब्लैक सिल्वर यहाँ पर बम्पर के साथ जो स्किटेड है वो भी ऑफर की जाएगी। तो दोस्तों रियर जो सेंसर्स है एंड स्पेयर व्हील्स वो अंडर बेल सेक्शन में ऑफर की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर टेलगेट ओपनिंग फीचर्स दिया जाएगा। दोस्तों आप बारी आ जाती है इंटीरियर के बारे में बताने के लिए, तो इंटीरियर का क्या मामला है। तो इंटीरियर काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रीमियम और फ्यूचर लोडेड ही रहने वाले हैं एंड उसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो मल्टीफंक्शनल LED स्टीयरिंग व्हील के साथ यहाँ पर बहुत ही सुंदर कॉकपिट प्रोवाइड करवाया जाएगा एंड टेल एंड रिच एडजस्टेबल फंक्शन के साथ स्टीयरिंग व्हील आने वाला है। एंड दोस्तों स्टीयरिंग व्हील में कुछ लेफ्ट साइड में ऑडियो कंट्रोल्स एंड राइट साइड में आप जो देख रहे हैं क्रूज कंट्रोल में कुछ ADAS का फीचर्स रहने वाला है एंड 9 इंच के फुल इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन पैनल ऑफर की गई है। साइज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का साइज काफी बड़ा है यानी कि 10 इंच के वो भी फुल डिजिटल रहेंगे। तो दोस्तों एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो चिंता की कोई बात नहीं, धूमधाड़ा के अंदर गाना वगैरह आप सुन सकते हो। ऑल्सो कम विथ नेविगेशन कॉलिंग एंड लॉट ऑफ अदर यूजफुल स्मार्ट फीचर्स। तो कार कनेक्टर टेक्नोलॉजी एज एक्सपेक्टेड दिया जाएगी, तो जिसके तहत आप अपना स्मार्टफोन के थ्रू सारे के जो फीचर्स है उसको ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल 6 सीट यहाँ पर मिल जाएगी, दो पीछे फोल्ड अनफोल्ड करके यहाँ पर बूट स्पेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर सेपरेट AC भेड्स आर्मरेस्टर कार्ब होल्डर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और USB Type-C Type-D वायरलेस चार्जिंग बैट ये सब तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, इसमें नो डाउट। तो ड्राइवर सीट पे पावर कंट्रोलर बॉटम्स एंड विंडो एंड ओवर भी हमको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलर दिया जाएगी। तो ट्रिपल जोन AC विद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ यहाँ पर पावर एडजस्टेबल डोर भी मिलने वाला है। तो दोस्तों जो कैप्टन सीट्स है तो यहाँ पर हाई एडजस्टेबल हेडरूम के साथ वेंटिलेटेड सीट्स पावर की जगह भी सेकेंड रूम में एंड जो 4 माउंटेड AC वेंट्स है वो भी मिलने वाला है एंड रियर में कुछ चार्जिंग यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह ऑफर की जाएगी। सो थर्ड रूम में भी यहाँ पर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो पैनोरमिक सनरूफ है यहाँ पर मून रूफ आप जो भी कह सकते हो कह लीजिए वो डेफिनेटली दिया जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा यानी कि 2nd तक एक्सटेंड होगी विथ रेन सेंसिंग सेंसर के साथ। तो दोस्तों जो बूट स्पेस का यहाँ पर कैपेसिटी है 526 लीटर का जो कि मोर देन सफिशियंट है। तो थर्ड रो को आप फोल्ड करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हो, अगर फिर भी कम पड़ रहे तो 2nd रो को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज करके यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम सामान को आपका घर का जो खिड़की वगैरह सामान है उसको ले जा सकते हो। तो जो यहाँ पर बूट लैंप्स है विथ यहाँ पर पार्सल ट्रे जो कि ऑफर की गई है, तो आप चिल वगैरह का सामान भी ले जा सकते हो। ओके मसक नहीं, तो स्पेयर व्हील जो कि यहाँ पर नीचे प्लेस किया हुआ है इसी वजह से क्योंकि बूट में आपको ज़्यादा अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर मिले इसलिए। तो जो मेन मुद्दे की बात है वो है दोस्तों इंजन कैपेसिटी को लेकर। तो जो यहाँ पर इंजन है पायलट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजन फिलहाल के लिए रहने वाले है, विच इज 3.5 लीटर का V6 IVT EC टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि मैक्सिमम 280 BHP के साथ 355 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले है। तो पावर जो है दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाएगी एंड जो ट्रांसमिशन है ट्रांसमिशन 9 स्पीड यहाँ पर ऑटोमेटिक होंगे। तो मैनुअल के बारे में कोई भी खुलासा ब्रांड ने नहीं की है। तो टॉप स्पीड 205 km/h रहने वाले है जो कि ठीक ठाक है। दोस्तों एफिशिएंसी थोड़े कम आपको मिलने वाले हैं जो कि 9 किमी के आसपास और 73 लीटर का फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जाएगी। दोस्तों आप जो बेस ब्रांड का शुरुआती कीमत होंगे 32 लाख से शुरुआत होंगे, टॉप ऑफ द वेरिएंट जो कि 46 लाख ऑन रोड यहाँ पर एक्सटेंड होने वाले हैं एंड दोस्तों साथ साथ 8 अलग वेरिएंट में ये गाड़ी उपलब्ध होंगे एंड टॉप ऑफ द लाइन आपका नाम ट्रेल टॉर्क लॉजिक रहने वाले हैं एंड सनरूफ जो है वो टॉप ऑफ द लाइनअप के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों लॉन्चिंग को लेकर एज एक्सपेक्टेड इसी साल के अंदर यानी कि ऑटो एक्सपो में जहाँ तक बात है आपको देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम चांसेस है तो दिसंबर का महीने या फिर अगर वो भी नहीं होता तो जनवरी के अंदर यानी कि 2024 में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये गाड़ी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब भी अपडेट आएंगे आपको बताने वाला हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटेगी ठीक है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी वाइज तो यहाँ पर टॉप नॉच फीचर्स आपको मिलने वाला है, बिल्ड क्वालिटी वाइज बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रख के यहाँ पर 7 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे, ABS/EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा 360 कॉलिजन वार्निंग, हिल डोर असिस्ट, कीलेस एंट्री, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक टेस्ट, यहाँ पर 10 मोड्स एंड कॉलिजन वार्निंग ऑटो डिम एंड एंटी थेफ्ट सिस्टम, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इसके अलावा और भी कई तरह तरह के सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड की जाएगी। तो पावर के साथ प्रीमियम ने सेफ्टी लुकिंग सारे के सारे आपको मिलने वाला और क्या चाहिए दोस्तों।
तो तेल का मचाने वाला है ये गाड़ी, नो डाउट। वैसे दोस्तों आपका क्या मूल्यवान राय है वो भी आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और कृपया अपने भावना के साथ ना भाई, क्योंकि ये वीडियो एंड हो चुकी है। भागो यहाँ से, बाय बाय दोस्तों, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।